साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं, तो चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं। जी तो दोस्तों यहाँ पे हैड सलेमान की और मिंचनाबाद की जो नहर है इसमें आप देखें ये बहुत ही ख़तरनाक एक पुल है जी। ये आप देख सकते हैं ये नहर है जी, इसके ऊपर जो है एक बहुत ही ख़तरनाक पुल है। यहाँ पे ये दो दोस्त मेरे हैं जो कि इस पुल के ऊपर जा रहे हैं मज़े से एंजॉय करते हुए। मैंने नहीं आना, तो दोस्तों हम लोग जो है मैं तो बहुत ही मुझे तो डर लग रहा है भाई, यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक पुल है जी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे देखें, आई थिंक ये बहुत ही एक ख़तरनाक यहाँ पर सीन है जी। जी तो दोस्तों हम यहाँ पे बहुत ही तरीकी एक मकाम पे मौजूद हैं जहाँ से यहाँ पे हम सादिकी नहर पे खड़े हुए हैं। यहाँ से जो है वो एक अवामी नहर निकलती है जिसको जो है अभी फॉलोअप करवाया गया थोड़ा सा। अब देख यहाँ के जो मतलब जो है लोगों की ये जो फसलें हैं यहाँ पे इस नहर का पानी नहीं लग सकता, तो उनको पानी देने के लिए हमें अवामी नहर की जो है वो शदीद ज़रूरत थी। उसके बारे में क्या हुआ हमारे एक दोस्त हैं भाई सिकंदर, उनसे पूछते हैं कि भाई इस ये मामला असल में ओरिजिनल क्या है। जी ये है भाई कि ये जो इलाका है ना ये सारा अपर है। अच्छा। और ये पानी जो है ना ये लोअर है, इसलिए ये पानी जो है वो ऊपर उस एरिए में नहीं जा सकता। इसलिए जो बॉर्डर है इसके करीब करीब जो हिंदुस्तान में नहर आती है ना उसका पानी अब इधर तो नहीं आ सकता। बिल्कुल। अब ये पानी उधर जाता तो इलाका जाता है। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत बड़ी नहर है कि इसका पानी जाता है तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अमीर हो रहे थे, इसलिए इसको एक साजिश के तहत इसको बंद करवा दिया गया। अच्छा। और इसका पानी बहुत मुफीद था ऊपर के इलाके के लिए और बहुत जो ना वो इलाका जो वो है वो बहुत ज्यादा जरखेज था, इसकी वजह से हर आदमी जो है और जब ये बंद हुई है तो वो बहुत ज्यादा जो ना डिस्टर्बेंस पैदा हुई है और उसकी वजह से ये चार जो है वो साइड पे है और वो है दूसरे पे जो रह करते। अच्छा, और जब वो दूसरी साइड पे जो नजर आए वो दूसरी बात। हाँ हाँ हाँ। उन चार का पानी इन 12 के बराबर है। हाँ। और जब ये बिजली चली जाती है तो फिर वो चलाते हैं और ये जो ये बंद करते हैं। ये
यानी वो तो मेरे सामने आपको नजर आ रहा है कि वहाँ से पानी जो है जब ये पानी इसमें काफी आता है तो उसके जरिए फिर वो बिजली टरबाइन लगी हुई टरबाइन के जरिए जाती है। अच्छा 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 अच्छा, तो अब इसका कोई हल है? इसका हल है कि हुकूमत अगर इसकी तरफ नजर सानी करे तो ये मतलब चल सकते हैं, मतलब अगर खान साहब चाहें तो ये करवा सकते हैं। और हमारा जो ऊपर वाला इलाका है ये बॉर्डर लाइन के करीब जो है ये चक जम्मू है और वो आगे आगे जो जमीन है वो सही आबाद हो सकती है। पानी की कमी की वजह से हमारा काफी जो इलाका है वो गैर आबाद हुआ पड़ा है और इस नहर की वजह से हुआ पड़ा। सही सही, चलें तो अल्लाह करे कि आपकी बात जो है वो हुकूमत तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अपने सफर का आगे जो है वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। वो देखें ना, आप देखें कि वो सारे पाइप भी उतरे पड़े हैं और इसकी सारी जो है ना खराब हालत भी खराब हुई पड़ी। सही सही, चलें जी। तो दोस्तों हम अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं जी। तो आप देख रहे हैं हम लोग हेड सुलेमान की क्रॉस कर रहे हैं जी। मैं चला रहा हूं हेड सुलेमान की, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। जी तो दोस्तों हम लोग जो है वो यहाँ पे हेड सुलेमान की ज़ू के अंदर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग भी इधर मौजूद हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक पिंजरा आपको नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर जो है मोर मौजूद है और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको हम लोग जो है वो दिखाते चलते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए अपना जो है ये और भी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं जी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको मोर नज़र आ रहा है जी। तो ये आप देख सकते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं ये यहाँ पे। इसी तरह और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो आपको हम लोग इस ज़ू की विज़िट करवा रहे हैं। ये इस साइड से नहीं जाना पड़ेगा यार, इधर से चलो। यहाँ से जो है आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे चीज़ें हैं। पहला इधर भी, इधर थोड़ा सा जी तो ये हमारे साथ रमजान साहब मौजूद है जी। ये भी आज इंजॉय करने यहाँ पे आए हैं। तो रमज़ान साहब बताइएगा ज़रा आपको कैसा लगा यहाँ पे ज़ू में आके? अच्छा लग रहा है जी, अल्लाह ताला ने इधर बहुत नज़ारे रखे हैं। जी तो रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि आज का विज़िट आपका कैसा रहा? विज़िट माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा, खाना भी काफ़ी अच्छा था, फिश खाई और साथ में जो और काफ़ी अच्छे लोग हैं ये इधर के जितने भी रहायशी हैं। अच्छा, नहीं तो आपको यहाँ पे पार्क में आके कैसा लगा? पार्क में आके बहुत अच्छा लगा और इधर में जो ये प्लांट्स लगे हैं ये हमारी नेचर के लिए बहुत। अच्छा, मतलब आप देखकर और जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, एक तो ये पार्क है, दूसरा ये फॉरेस्ट का फॉरेस्ट है, इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। अच्छा तो हमारे साथ सिकंदर भाई मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपका यहाँ पे पार्क में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है यार, वैसे भी आज आपके साथ जो ना क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं ख़ासतौर पर रमज़ान साहब के साथ जो है ना घूम फिर के बहुत मज़ा आ रहा है यार। सही सही, तो पार्क में बहुत अल्लाह ताला ने जो नेचुरल इसमें ब्यूटी है ना वो बहुत लाइक की है मैंने और बाकी जो है ये सीन बहुत प्यारा है। सही सही, ये इसमें
ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि ये एक मल्टी एरिया है। पोर्शन वाइज अगर देखते हैं तो इधर जानवर भी हैं, जू का जू है, और इधर काफ़ी ये झूले वगैरह लगे हुए, एक पार्क है, और साथ में देखा जाए तो इतने सारे ट्रीज हैं, ये प्लांट्स, तो ये एक जंगल का भी नज़ारा देखने को मिलता है। सही सही। तो ऐसी जगह बहुत कम है पाकिस्तान में, अगर थी भी तो वो ख़त्म होती जा रही हैं। मान लीजिए सही। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक हो गया जी। तो ये हमारे साथ थे रमज़ान साहब, थे सिकंदर भाई थे। साइड से किनारे से अगर हम दरिया को देखें तो वो हमें जो है वो कैसे जी, तो हम लोग दरिया के बिल्कुल किनारे पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, साइड पे फसलें भी हैं और इधर दरिया भी है। हम कोशिश करते हैं कि दरिया के बिल्कुल किनारे पे जा सकें जी। तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल जो है वो यहाँ पे दरिया के किनारे पे आ चुके हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, तो हम लोग दरिया के बिल्कुल किनारे पे हैं और अब आपको यहाँ दिखाएंगे कि लोगों की फसलें कैसे तबाह हुई हैं। ये देखो एक बरसे, ये आप देख सकते हैं जी, व्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तबाह वो आप दरिया का व्यू देख रहे हैं जी। तो मैं यहाँ पे आज जो है भरपूर एंजॉय कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं पानी ही पानी है आपने जी। बिल्कुल बिल्कुल जो है ये पानी है, मैंने यहाँ पे ये देख रहे हैं पानी पानी तमाम अतराफ में, आप देख सकते हैं ये दरिया सतलुज है जी। यहाँ पे हम मौजूद है, पीछे हेड सुलेमान की आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, है वो आप ये पानी पानी देख सकते हैं तमाम अतराफ में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तकरीबन जी साहब ये कितना पानी होगा? पानी आई थिंक मैम तो मुझे तो अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी। क्यों, आप फिजिक्स के टीचर हैं, आपको अंदाज़ा लगाना नहीं आता? ये अंदाजे तो अब मैं मतलब नहीं लगा सकता, क्या कह सकता हूँ, बरहाल पानी में बहुत है जी। इस व्यू को आप जो है यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। तो चैनल ऑल इन वन को, ऑल इन वन मिंचनाबाद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।